इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, आई गिरीश बुडरकट्टी, एमडी ऑफ बेलगाम ब्लड बैंक, फील एक्सट्रीमली हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद रेमन फाउंडेशन। टुडे रेमन फाउंडेशन हैड कंडक्टेड मेगा ब्लड डोनेशन कैंप इन बेलगाम and have the donated more than 165 blood donors from the volunteers of the Raymond Foundation. I feel very happy that Raymond Foundation have put very good effort in arranging and motivating the youths for donating the blood, and they have arranged in a such a manner that cleanliness and their humble request to the donors and motivating them and providing refreshment and all, and giving a good atmosphere to the society that you donate blood generously, so that in this disaster of COVID there shouldn't be shortage of blood to the blood banks. So I thank Rahman Foundation. पहली बात तो मैं हमारे चेयरमैन मुल्ला सज्जाद नोमानी साहब का शुक्र अदा करूँगा कि इन्होंने बेलगाम के लिए रहमान फाउंडेशन ब्रांच ओपन करने की इजाज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त हजरत की फिक्र ये है पूरे मुल्क में रहमान फाउंडेशन के ब्रांचेस कायम हों, ताकि एक सतह पे एक ऐसा इदारा कायम रहे जिसमें गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बगैर कोई जात पात देखते हुए जो ज़रूरतमंद है उनकी हर लाइन से इमदाद होते रहे। मेडिकल है, एजुकेशन है, उम्र रजीदा जो उम्र ओल्ड एज पेंशनस है, हाँ जो गरीब बच्चे हैं फीस की वजह से एजुकेशन नहीं कर सकते, उनकी एजुकेशन कम्प्लीट करने के लिए अभी हाल ही में जैसे जमील भाई ने बताया कि एक हॉस्पिटल का ही प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज एक मेडिकल ब्लड कैंप जो आज रखा गया है, इससे पहले रहमान फाउंडेशन की तरफ से कभी ब्लड कैंप नहीं होता था। हम लोग ये काम करते थे कि डोनर्स को पकड़ते थे, जब भी रिक्वायरमेंट होता चाहे केरी हो, बेलगाम ब्लड बैंक हो या फिर महावीर ब्लड, वहाँ पर डोनर्स को लेके जाके हम लोग डोनेट कर देते थे। अभी कोविड जब से शुरू हो गया है डोनर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर एक दो केस ऐसे सामने आ गए जिसमें एक वक्त में रायबाग का एक याद का एक पेशेंट था, 14 बॉटल खून की ज़रूरत पड़ी, डिलीवरी हो गई थी, सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने और इदारों से बात करके, डोनर से बात करके इसका डोनर इनका तो रिक्वायरमेंट पूरा किया, लेकिन उस वक्त शदीद तकाजा हो गया कि भाई हमारा भी ब्लड स्टॉक होना चाहिए, ताकि भी आगे हालात कैसे आएंगे बाद में, इसके लिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे के पूरे लोगों को मालूम है और हमेशा आप कई सालों से रहमान फाउंडेशन की खिदमतें देख रहे हैं, और फिलहाल अब जैसे कोविड-19 के टाइम पर जो है आप देख रहे हैं 5-6 महीने से कई खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन की तरफ से जो चल रही है, वक्तन फोक्तन जो भी तकाजे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन आगे बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की परेशानियाँ दूर हो, लोगों के लिए हेल्प हो और लोगों की जो है वो मदद हो जाए, बार बार इसकी कोशिश चल रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे फ्री मेडिकल कैंप का इनका हुआ, और उसी के साथ जो है अब देखा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खून के लिए, ब्लड के लिए परेशान हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कभी इधर भागे कभी उधर भागे, लेकिन उनको जो है वो जो खून की ज़रूरत है, जो मतलब जिस ग्रुप की ज़रूरत उनको नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, कई पैसे देने के बावजूद भी उनको दस्तियाब नहीं हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहमान फाउंडेशन में जो है हमारे हनीफ भाई, अल्लाह ताला को जजाए खैर दे, और इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी टीम जो है यहाँ पर वॉलंटियर की, इन्होंने फिक्र की कि किसी न किसी तरह यहाँ पर एक ऐसा एक निज़ाम बनाया जाए जो है मतलब ब्लड को जो है सेव करने का, ताकि जब भी कोई ज़रूरतमंद आए तकाजा करे तो फ़ौरन उसकी जो है हेल्प की जाए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है आज रहमान फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया ब्लड डोनेशन का, तो बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरफ से जितने भी ब्रांच हैं, गटपरबा है, गोकाक है, कन्नूर है, अंकलगी है, और इस तरह बेलगाम से काफ़ी लोग और अतराफ से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साधना सुधीर बेके। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर अनंत बेके। आज रहमान फाउंडेशन कडून जे ब्लड डोनेशनचं कॅम्प होता त्याच्यात मी आज भाग घेतला। मी आज डोनेशन म्हणजे डोनेट केलं आहे ब्लड डोनेट। मला आज खूप बरं वाटतंय की हा संधी आज मला मिळाला,
की मी खास कर लेडीजला सांगू इच्छिते की तुम्ही पण तुम्हाला वेळ मिळेल तसं ब्लड डोनेशन करा. रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही हेल्दी असाल, आरोग्यदायी असाल, तर तुम्ही बिंदास्त येऊन अशा संस्थेकडून संस्थेतर्फे रक्तदान करा. जेणेकरून एक त्याचं एक वेगळं सॅटिस्फॅक्शन आहे, ते सॅटिस्फॅक्शन तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीमधून मिळणार नाही. तुम्ही कुठलाही चांगला पदार्थ खा, ते सॅटिस्फॅक्शन तुम्हाला मिळतं, ते ह्याच्यामधून जे मिळतं ते मिळणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही डेफिनेटली या, पुढे या. रक्त आम्ही दोघे हजबंड वाईफ आहोत, दोघांनी आज आलो, आम्हाला ह्यांच्याकडून एवढं छान आम्हाला वेलकम करण्यात आलं. सलाम अलैकुम. मैं तो ब्लड देने से 6 महीने के एक बार ब्लड देने से हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है. दूसरी बार ब्लड देने से कई जानों को हम लोग हेल्प करते हैं, बचाया जा सकता है. हेल्प करते करते कई जानों को बचा सकते हैं. इसलिए हर महीने, हर 6 महीने, 1 साल को ब्लड देना जरूरी है. और ब्लड देने से बुरी आदतों से छुटकारा भी पा सकते हैं हम. ऐसे बहुत से लोग हैं जिसे ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड नहीं मिलता. हम लोग ऐसे रहमान फाउंडेशन जैसे लोगों को, जैसे हम लोग ब्लड दे के उनको, हम लोग कई जानों को मदद कर सकते हैं.